Good morning, my dear students. How are you all? I hope all are fine and safe at home. Okay, I am your EBS teacher Deepa Nair from the Radiant International School. Okay, we have completed first chapter, Our Earth, second chapter, Our Environment, and this is the third chapter, Plants Are Friends. Okay, we have completed the passage of this chapter, Plants Are Friends. Okay, let us see the question answers of this chapter. Okay, we have completed first exercise, tick the correct answers. Second exercise, who am I? And this is exercise C, answer these questions. Okay, write first two question, write the names of any two trees, shrubs and herbs. Humko kya karna hai? टू ट्रीज़ का नाम लिखना है, फिर टू श्रब्स का नाम लिखना है, देन टू हर्ब्स का नाम लिखना है. ओके, लेट अस सी व्हाट इज़ द फर्स्ट आंसर. ओके, टू ट्रीज़ का नाम क्या है? इसमें तो कितना ट्रीज़ का नाम दिया है, मैंगो है, बेनियन ट्री है, पीपल ट्री है, जामुन ट्री है, कोकोनट ट्री है, देन नीम ट्री है. ओके, इसमें से हमको टू ट्रीज़ का नाम लिखना है. अभी हम मैंगो और बेनियन ट्री लेंगे एग्जाम्पल के लिए. ओके, दिस इज टू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्री. नेक्स्ट हमको श्रब का एग्जाम्पल लिखना है. रोज, हिबिस्कस, मेहंदी, कॉटन, दीज आर श्रब्स. ओके, इसमें से हमको टू एग्जाम्पल लिखना है. वी विल राइट डाउन टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस. ओके, फर्स्ट वन रोज, सेकेंड वन हिबिस्कस. अंडरस्टूड? ओके, देन हर्ब. हर्ब इज ए वेरी स्मॉल प्लांट, उसमें से हमको टू एग्जाम्पल्स लेना है. इसमें क्या क्या दिया है? मिंड है, स्पिनाच है, राइस है, उसमें से हम टू निकालेंगे. अभी देखो, टमाटो लिख सकते हैं, फिर मिंड लिख सकते हैं. टमाटो, टी ओ एम ए टी ओ, देन मिंट, एम आई एन टी, मिंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Let us see what is the next question answer. Okay, why do climbers need support to stand straight? Climbers को support क्यों चाहिए straight खड़े होने के लिए? Okay, why do they need support to stand straight? Let us see what is the answer. Okay, answer two. ए क्लाइंबर हैज ए वीक स्टेम. क्लाइंबर को वीक स्टेम होते हैं, उसका स्टेम बहुत पतला होते हैं, ठीक है, और वीक होते हैं. इट कैनॉट ग्रो स्ट्रेट, उसको सीधा, अभी बाकी श्रब हर्ब जैसा उसको सीधा खड़े हो नहीं सकते, क्योंकि उसका स्टेम बहुत वीक होते हैं. इट कैनॉट ग्रो स्ट्रेट, उसको स्ट्रेट ग्रो नहीं सकते हैं. ओके, इट नीड्स सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट, उसको सपोर्ट चाहिए स्ट्रेट ग्रो होने के लिए. इसके लिए देखो, इधर एक पिक्चर दिया है, पी है और मनी प्लांट है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स, राइट. तो उसको सपोर्ट दिया है, देखो एक लकड़ी में ये स्ट्रेट ग्रो हो रहा है, देखो सपोर्ट चाहिए उसको, क्योंकि इस स्टेम is very weak. Okay, a climber has a weak stem, it cannot grow straight, it needs support to stand and grow straight. Okay, examples are pea, bean, money plant and grapevine. These are the examples of climbers. Understood? Okay, let us see the next question. How are fibers useful to us? Fibers हमको कैसे useful होते हैं? Okay, let us see
What is the answer of third question? Plants give us fibers. We use fibers to make clothes, sacks, ropes and mats. हमारे घर पे मैट हम यूज़ करते हैं ना, डोर के पास में डालते हैं डोरमेट. फिर रोप्स, प्लास्टिक का रोप्स होते हैं, हम कपड़ा सब सुखाने के लिए बाहर डालते हैं, उसके लिए हम रोप यूज़ करते हैं. फिर साग्स है, उसमें क्या है, गेहूँ, फिर चावल, वो सब डाल के आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साग बोलते हैं. तो उसके लिए भी फाइबर होते हैं उसमें. फिर रोप्स भी होते हैं फाइबर का, ओके. फिर मैट होते हैं फाइबर का. फिर क्लोथ होते हैं फाइबर का, ओके. वी यूज़ फाइबर्स टू मेक क्लोथ, सैक्स, रोप्स एंड मैट्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स, ओके. हमको फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, कॉटन प्लांट से मिलते हैं. कॉटन से फिर कॉटन निकालते हैं, उसमें से हमको क्लोथ बनाते हैं. फिर जूट प्लांट से हम साग बनाते हैं, रोप बनाते हैं, मैट बनाते हैं, ओके. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट वी विल गो थ्रू व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन. राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम वुड. हमको वुड से, लकड़ी से हमको 5 थिंग्स क्या क्या मिलते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है. तो वुड, लकड़ी से बहुत सारे चीज़ बनाते हैं ना, चेयर है, टेबल है, कपबोर्ड बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ लकड़ी से बनाते हैं. फिर हमारा जो पेंसिल होते हैं, हम लिखते हैं ना, वो पेंसिल भी लकड़ी से बनाते हैं, ओके. लेट अस सी व्हाट इज़ द आंसर. Answer 4. Okay. Plants give us wood to make pencils, chairs, tables, doors and windows. ये सब बनाने के लिए हमको plants क्या देते हैं, wood देते हैं, है ना. हम वो wood कैसे लेते हैं, काट के लेते हैं, सूखने के बाद नहीं तो उसके पहले भी काट लेते हैं. ये सब बनाने के लिए वुड यूज़ करते हैं. वो कौन देते हैं हमको, प्लांट्स देते हैं, पौधे देते हैं, ठीक है. पेंसिल्स, चेयर्स, टेबल्स, डोर्स एंड विंडोज. प्लांट्स गिव अस वुड टू मेक पेंसिल्स, चेयर्स, टेबल्स, डोर्स एंड विंडोज. डोर क्या होते हैं, दरवाजा, विंडो खिड़की, ओके. फिर टेबल्स है, चेयर्स है, पेंसिल्स है, ओके. Plants also give us firewood. Firewood भी देते हैं. Some people use it to cook food. Food बनाने के लिए तो use करते हैं, firewood से जलाते हैं, ठीक है. और उसके बाद फिर खाना पकाते हैं, ओके. अंडरस्टूड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वुड, ओके. Plants हमको wood देते हैं, उसमें से हमको क्या बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, पेंसिल, डोर, फिर विंडोज, ओके. फिर फायरवुड भी हमको देते हैं. ये सब कौन देते हैं हमको, वुड से हम बनाते हैं. और वुड कौन देते हैं हमको, प्लांट्स देते हैं. प्लांट्स गिव अस वुड. प्लांट्स गिव अस वुड टू मेक पेंसिल्स, चेयर्स, टेबल्स, डोर्स एंड विंडोज, ओके. Understood? These are the 4 questions of this chapter. First one, write the names of any 2 trees, shrubs and herbs. Second one, why do climbers need support to stand straight? How are fibers useful to us? Write the names of 5 things that are made from wood. First question answer, we have written, ओके. हियर ओली द आंसर. देखो, लिसन, 2 ट्रीज, मैंगो, बेनियन, ओके. नेक्स्ट श्रब, श्रब का 2 एग्जाम्पल्स, रोज, हिबिस्कस. देन हर्ब, हर्ब का 2 एग्जाम्पल्स, टोमाटो, मिंट, ओके. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लाइंबर को सपोर्ट क्यों चाहिए, ओके. उसका आंसर क्या है, आंसर 2 है.
A climber has a weak stem. It cannot grow straight. It needs support to stand and grow straight. Example, pea, bean, money plant and grapevine are climbers. Okay. Next, plants give us fibers. Plants give us fibers. We use fibers to make cloth, socks, ropes and mats. Okay. ये सब बनाने के लिए हमको फाइबर चाहिए. वो कौन देते हैं? प्लांट्स, पौधे देते हैं. ओके. फोर्थ वन, हमको वुड से क्या क्या बना सकते हैं? प्लांट्स गिव अस वुड टू मेक पेंसिल्स, चेयर्स, टेबल्स, डोर्स एंड विंडोज. प्लांट्स गिव अस फायर वुड. फायर वुड भी मिलते हैं हमको उसे. सम पीपल क्या करते हैं? फूड कुकिंग करते हैं. ठीक है, बनाते हैं खाना पकाने के लिए फायरवुड यूज़ करते हैं. वो फायरवुड जला के वो लोग खाना बनाते हैं. ओके. गैस की जगह में वो लोग फायरवुड यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड? ओके. दैट्स ऑल फॉर टुडे. दीपा नायर साइनिंग आउट. थैंक यू सो मच. I hope all understood. You should read every chapters properly and learn the spellings properly. Okay. I hope all understood, right? Okay. Thank you so much. Have a nice day. Stay home. Stay safe. You have to write down 2 times these questions. Okay. Bye. Take care. Plants are big. Some plants are small. So now we will read about different types of plants. The first type are trees. A big and tall plant is called a tree. It has many branches. A tree has a hard and thick stem. It is called the trunk. Mango, banyan, peepal, jamun, coconut, and neem are trees. Many trees can live for hundreds of years. The second type of plants is shrubs. A shrub is much smaller than a tree. It has a thin and hard stem. A shrub has many branches. These branches grow close to the ground. Rose, hibiscus, henna, and the cotton plant are shrubs. Most shrubs live for a few years. The third category of plants is herbs. A herb is a very small plant. It has a soft stem. Tomato, mint, and spinach are herbs. Most herbs live only for a few months. The fourth type are climbers. A climber has a weak stem. It cannot grow straight. It needs support to stand and grow straight. Pea, bean, money plant, and grapevine are
climbers. The last type are creepers. A creeper has a very weak stem. It grows along the ground. Bottle gourd, watermelon, and pumpkin are creepers. Now let's see, where do plants grow? Plants grow in different places. The lotus and water lily grow in water. They are water plants. There are also many other variety of plants that grow in water. They have big leaves that float on water. The cactus and many more varieties of them grow in hot places. A cactus is a desert plant. It has thorns.